तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियसली। हमने कल के लिए टाल दिया, कल कभी आएगा ही नहीं आपका, कल क्या परसों क्या नर्सों क्या कभी नहीं आएगा वो दिन, वो कभी क्लियर नहीं होगा। और अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो यही आपके लिमिटेशन है। हेलो एवरीवन, और लो हम फिर आ गए एक कोटेशन के साथ, और लास्ट में यूपीएससी 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो स्पेशल है इस वीडियो में, वो लास्ट तक में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बट फिलहाल ये जो छोटी सी एक लाइन है, ये क्या आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है क्या? मेरा आंसर तो हाँ है, आप एक बार पढ़ के देख लो। लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम वी डोंट फिक्स बिकम आर लिमिट्स। हम लोग ना लाइफ में ऐसे बहुत बार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रखे रहते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं पूरे लाइफ टाइम, और लेटर स्टेज पे पता चलता है कि भाई यही प्रॉब्लम हमारी लिमिटेशंस बन जा रहे हैं। कैसे? रीजंस पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि हम लोग मान लो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लो आज हमने एक पेज पढ़ना स्टार्ट किया एम लक्ष्मीकांत का, उसमें एक दो वर्ड हमें समझ भी नहीं आ रहे थे, तो हमने ये जद्दोजहद नहीं की कि हम डिक्शनरी खोलें या फिर गूगल में कुछ सर्च करके हम देख लें कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर डिराइव करें, फिर प्रॉपर पेज पढ़ें। दिमाग में आया कल देख लेंगे, छोड़ो अभी पहले ये जो दो पेज का टारगेट था पहले इसको पढ़ के हटाते हैं। हमने कल के लिए टाल दिया, कल कभी आएगा ही नहीं आपका, कल क्या परसों क्या नर्सों क्या कभी नहीं आएगा वो दिन, वो कभी क्लियर नहीं होगा। और अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो यही आपकी लिमिटेशन है। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की ना तो आगे चल के लिमिटेशन बन गया, अब इससे क्वेश्चन आपका लगेगा ही नहीं। सेकेंड स्टेज पर यहां पर आप स्केप करते। स्केप का क्या मतलब है कि बहुत बार हम लोग मान लो प्रीलिम्स का पेपर लगा रहे हैं, बैठ के टेस्ट लगा रहे हैं, और हम एनालिसिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मन नहीं है, बोरिंग सा है एनालिसिस करना, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दो चार कमियां पता चल जाएंगी और मूड खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं करते, हमें पसंद ही नहीं आता एनालाइज करना, तो हम एस्केप कर रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा कि जो मिस्टेक हमने इस टेस्ट में किया है ना, वही मिस्टेक हम अपने लास्ट फाइनल एग्जाम में भी कर रहे होंगे। ये हमारी लिमिटेशन है, जो इस प्रॉब्लम को हम साथ में लेके चल रहे थे ना, वो लिमिटेशन बन गई। रियलिटी चेक, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग मान लो मेंस का अपने पेपर लिख रहे हैं, या फिर मेंस का पेपर आज तक कभी हमने लिखा ही नहीं, हमने दिमाग में फ्रेम कर लिया कि आंसर राइटिंग का क्या है, मतलब इतना पढ़ा है तो कर लेंगे, लिखने का ही तो है, लिखना ही तो है, लिख लेंगे, कभी भी कभी लिख के देखा ही नहीं है हमने कि एक्चुअल में हम प्रॉपर लिख पा भी रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, तो रियलिटी चेक कभी हमने किया ही नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे। ये सारे प्रॉब्लम आगे चल के ना आपके लिमिटेशंस बन जाते हैं। इन्हीं लिमिटेशंस को क्लियर करने के लिए, या फिर वो आपके लिमिटेशंस आपके यूपीएससी जर्नी में ना बने, आज का वीडियो किसके लिए डेडिकेटेड है? वो उन लोगों के लिए है जो कि यूपीएससी 2024 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए नीचे वैसे तो एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप लोग अपनी क्वेरीज के साथ वहां पर भी जा सकते हो बेस्ड अपॉन टुडेज वीडियो। और ये जो पूरा वीडियो होगा वो बेसिकली डिराइव होगा हमारे एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल के तरफ, जो कि हमने आप सबके लिए बनाया है एक्चुअल में। तो इसके लिए बहुत सारे फैकल्टीज से हमने बात किया, टॉपर से बात किया, मतलब जो हमारे आसपास के लोग थे जिनसे बातचीत होती है, एंड वी फाइंड आउट दैट देर आर टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसको कि अगर हम अपने अपने फाउंडेशन कोर्स में लगा दें तो ये फाउंडेशन कोर्स अपने आप में बहुत इनोवेटिव हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विथ हम उसमें कुछ और इनोवेटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो वो इनोवेशंस क्या हैं? अगर इन केस आप ये फाउंडेशन कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हो तो क्या ये आप अपने सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियसली। तो एक बार चलते हैं उस यूनिक मॉडल की तरफ। आप सबको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और हाइब्रिड मॉडल। अब इसको हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दीज क्लासेस विल बी डायरेक्टली लाइव फ्रॉम द ऑफलाइन क्लास, और इवन आपके पास ये भी बेनिफिट होगा कि आप अपने वीकेंड टेस्ट वगैरह जो भी इसमें कंडक्ट हो रहे हैं, मेंटोरशिप सेशंस हैं, ये सब हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आके ले सकते हो, और प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इसीलिए इसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये ऑफलाइन में है और हाइब्रिड में है। ऑफलाइन कहाँ पर? न्यू दिल्ली सेंटर पे। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं एक बार अपने उस यूनिक मॉडल के बारे में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी इजी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग सुन के बोलोगे, सर इसमें क्या यूनिक है? पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज डेली शेड्यूल्ड क्लासेस। हमने कुछ सब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके बेसिस पर कुछ डेली शेड्यूल आपको दिए हैं, और उसी के बेसिस पर आपके क्लासेस डिफाइंड है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो मुझे भी पता है। बट इसके साथ साथ हम आपके लिए ना एक और चीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारे लिए है एक्चुअल में,
हम फैकल्टीज को बताएंगे आपको कब कहाँ कैसे पढ़ाना है, आप लोग को थोड़ा सा अलाइनमेंट उससे मिल जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्चुअल में ना एक बड़ा पेपर है, लगभग इतना बड़ा, ए जो जैसे चार्ट साइज आता है ना, ये चार्ट साइज का पेपर आपके ये वेलकम किट में इंक्लूड रहेगा, आप ऑफलाइन हाइब्रिड कोई भी मॉडल ज्वाइन करते हो, और इवन जो लोग दिल्ली में हैं और आके ये कलेक्ट करना चाहते हैं सेंटर से इस प्लानर को, तो वो भी वो ले जा सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। बस ये कंडीशन है कि आपको दिल्ली में होना पड़ेगा इसके लिए। फिलहाल इसमें है क्या ऐसा स्पेशल, इसमें एक्चुअल में 60 वीक्स का ब्लैंक कॉलम है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमने इस मॉडल में रिवीजन का बहुत अच्छा प्लान किया है, टेस्ट का बहुत अच्छा प्लान किया है, लेकिन उसका इफेक्टिव रोल तभी समझ में आएगा जब ये शीट पूरी फिल होगी आपके एंड से, आपका वीक का प्लान क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, उसके लिए रिवीजन आपने कितना प्लान किया है, रिवीजन के बाद आपने अगर प्रीलिम्स का टेस्ट दिया तो इसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मेंस के कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ये जब पूरी शीट ऐसे भरोगे ना तो रियलाइज होगा कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीक है, मेंस ओरिएंटेड वीक है, उस पर और कितना एफर्ट करने की जरूरत है। ये 60 वीक का प्लान आपकी आधी प्रिपरेशन की झंझट तो दूर कर देगा, क्योंकि आपके पास अब पता है कि केवल अप्रैल में नहीं, सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, नेक्स्ट जनवरी क्या पढ़ रहे होगे, सब पहले से डिसाइडेड होगा आपका। वो स्मार्ट प्लान आपको अभी यहां से बना के चलना पड़ेगा, इसमें बस आपको फिल करना है, पेन से लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत लगेगी, लेकिन ये एक बार प्लान बन गया ना तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस प्लानर पर हम बात कर रहे थे, तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज डेली शेड्यूल क्लासेस के साथ अलाइन करके आपको अपनी प्रिपरेशन में भी ये प्लानर को इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा आता है यहां पर मेमोरी क्रिएटर, मेमोरी क्रिएटर टू इंश्योर डेली रिविजन। एक्चुअल में हमने अपने पूरे इस मॉडल में ना दो चीजों का जो सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र किया था, उसमें CTR मॉडल में क्लासरूम टेस्ट और रिविजन। बट ये CTR में सिर्फ यही तीन चीज नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिनके बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। रिविजन का भी फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टीचर आया, फैकल्टी आया और आपको यूं ही रिवाइज करा के बस चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान के चलो ये जो 1000+ आवर्स ऑफ क्लासेस है, मान लो डेली बेसिस पर आप 2-3 घंटे की क्लासेस आप लोग को लगती है, ये 2.5-3 घंटे की क्लासेस के बाद नेक्स्ट डे जब आप टीचर से मिल रहे होगे, फैकल्टी से मिल रहे होगे, तो वो पहला 15-10 मिनट केवल इस चीज में स्पेयर करेगा कि हमने कल पढ़ा क्या था एक्चुअल में, और ये कंपलसरी है, हर क्लास के पहले मिलने वाला है, और ये भी कोई यूं ही टीचर बात नहीं कर रहा होगा। आप जब भी क्लास आज की अटेंड कर रहे होगे तो आज का जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो उस रिविजन के लिए भी कुछ मेमोरी क्रिएटर काइंड ऑफ माइंड मैप्स होंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि विजुअल मेमोरी हमारी थोड़ी शार्प होती है, ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज को याद रखने की कैपेसिटी रखती है, उसी चीज पर बेस्ड ये कुछ विजुअल मेमोरी क्रिएटर्स होंगे, कुछ माइंड मैप्स होंगे जिनके बेसिस पर प्रीवियस क्लास को डिस्कस कर सकते हैं हम। ये डन हो जाएगा एक बार तो लंबे टाइम तक आपके पास वो चीज इनकॉर्पोरेट रहेगी, लंबे समय तक आप कोई भी चीज याद कर सकते हो, और फिर उसके बाद क्लास आपकी स्टार्ट होगी। बट ये रिविजन का सिलसिला बस यहीं तक खत्म नहीं होता है भाई, आपका जब वीकेंड टेस्ट होगा तो पूरे मंडे टू सैटरडे से जितना भी आपने पढ़ा है ना उसका अगेन सैटरडे को रिवीजन होगा, यहां पर भी खत्म नहीं होता वो सिलसिला, वो चलता जाएगा जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है आपका। सब्जेक्ट कंप्लीट मान लो आपने 24-25 क्लास में कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके लिए 70-75 आवर्स की क्लासेस दोबारा तो नहीं देखोगे, वहां पर रिविजन कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अगेन एक वीडियो या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैराथन वीडियो दे देंगे, वो 70-75 घंटे आपके कैसे 6-8 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसमें से की हाईलाइट पोर्शन को आप कैसे बता पा रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, अगेन ये एक रिवीजन का मॉड्यूल है, और उसके साथ साथ आपका पूरे सब्जेक्ट का एक बार टेस्ट तो होगा, अगेन पूरा रिवीजन, और आगे भी वो सब्जेक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। मान लो पॉलिटी पढ़ लिया, आगे चल के इकोनॉमी पढ़ रहे होगे तो इकोनॉमी में भी जो वीकेंड टेस्ट होंगे ना उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस तरीके से आप हर टाइम एग्जाम रेडी हो। आज भी कोई पूछे चार सब्जेक्ट कंप्लीट है और क्या आज आप ये चार सब्जेक्ट पढ़ के बता सकते हो बिना रिवीजन किए हुए, अब बोलोगे बिना रिवीजन किए हुए नहीं, हमने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी रिवाइज कर लिया, आप तो मुझे पूरी चीजें याद भी हैं, आप पूछो जो पूछना है, मैं अभी एग्जाम रेडी हूं, प्रीलिम्स का पेपर लेना है प्रीलिम्स का लो, मेंस का लेना है मेंस का लो, मैं रेडी हूं। वो एग्जाम रेडीनेस ना इस मॉडल से मिल सकती है आपको। तो ये तो एक कॉम्पोनेंट है जहां पर हमने रिविजन की बात की। सिमिलरली स्मार्ट शीट ट्रैकर भी होगा आपके पास, एक तो वो वीकेंड वाला जो पूरा शीट है वो भी चलेगा, यहां पर हमारे पास भी वो ट्रैकर मेंटेन रहेगा
कि आपने किसी भी एग्जाम में कितना मार्क स्कोर किया है, उसके बेसिस पर हम अपने मेंटोरशिप सेशंस को वेरिएशंस में डाल सकते हैं, आपके ऊपर पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप लगा सकते हैं। कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमें पता है आपके नंबर ही ऐसे आए हैं इसमें, ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक वीक है, क्लियरली डिमार्केट होगा। तो यहां पर जो हमारे रेगुलर टेस्ट होंगे ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। डेली बेसिस पर जब भी आपका क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद रोज इसी क्लासरूम में बैठ के आपको 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, एक मेंस का क्वेश्चन लिख के जाना है। ये आधे घंटे का सेशन हर दिन चलेगा, हर दिन चलेगा। इसमें कोई बैक ऑफ नहीं कर सकता है भाई, करना भी नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने, टॉपर्स ने ही बताया कि भाई रिवीजन और प्रैक्टिस यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने इसको थ्रू आउट दिस जर्नी कर लिया, उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर हो सकता है, तो व्हाई नॉट टू बिल्ड दैट। और कंपल्शन है ना, यहाँ तो करना ही पड़ेगा भाई। बचपन में पेरेंट्स डंडा लेके पढ़ाते थे, टीचर डंडा लेके पढ़ाते थे, समझ लो कुछ वैसा ही है, क्या आपको लिखना है तो मतलब लिखना है, जा नहीं सकते भाई, आपने इतना पढ़ाई किया, कुछ तो प्रोड्यूस करो यार, हम भी तो देखें हमारी मेहनत कितना रंग ला रही है। आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो उसके पीछे आपको एनालिसिस देंगे, इवैल्यूएशन देंगे, क्या गलती कर दी मेंस आंसर राइटिंग में, क्या प्रॉब्लम आ गया, और क्या डे वन से ये सब करने लगोगे? नहीं, हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में शुरुआत के 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस में हैंड होल्डिंग सेशंस होंगे, जहां पर फैकल्टीज आपको ऐसे हाथ पकड़ के नहीं, मतलब बोर्ड पर आपको यूं ही समझा रहे होंगे कि देखो इन पूरे पोर्शन को हम लोग आंसर राइटिंग के फॉर्म में कैसे सोच सकते हैं, माइंड डेवलप कैसे होगा। सिमिलरली अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उन एमसीक्यूज का बेसिक प्रोविजन हमें बिल्ड कैसे करना है, कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, कैसे वो एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, वो इमेज कैसे बिल्ड हो, वो सारी चीजें। और क्वेश्चंस के लेवल भी हम लोग बहुत ग्रेजुअल मैनर में इंक्रीज करेंगे, इसको भी एक बार मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि आपको देखना है ये, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, सॉरी, इनकरेजर लेवल पर कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ब्रेन स्टॉर्मर लेवल पर होंगे, फिर आपके पास यूपीएससी लेवल के ब्रेन हैकर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर टाइप में ना पहले सिंपल क्वेश्चंस डाले जाएंगे, जिससे कि आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो, कॉन्फिडेंस गेन करो कि अब तो सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, फिर आप और मोटिवेट हो जाओगे, और अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे, ग्रेजुअली वो स्टेप्स को हम इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली आपके मेंस वाले पोर्शन पर भी इस तरीके से डिफाइंड होगा कि पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, फिर आपके एनालॉजिकल क्वेश्चन, फिर एनालिटिकल क्वेश्चन, फिर एग्जामिनर टाइप का जो यूपीएससी में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन देंगे हम आपको। तो ग्रेजुअली ना इस चीज को जब हम बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ लिया, स्मार्ट शीट ट्रैकर पढ़ लिया, 1000+ hours ऑफ जीएस क्लासेस देख लिया, और ये क्लासेस किस वे में होंगे, सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होंगे, खूब सारा रिविजन चलता रहेगा आपके क्लास में, डेली का शेड्यूल ही ऐसा रहेगा, टीचर आएगा पहले रिवाइजन, रिवीजन के बाद ही क्लास होगी, उसके बाद टेस्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रिवीजन कराया, टीचर ने पहले टेस्ट बताया आपको, पूरा सॉल्व कराया, फिर उसने क्लास ले लिया, तो ये कुछ भी चलेगा, बट ये तीन चीज लगातार चलनी है तो डेली चलनी है, इसके लिए कोई भी पीछे नहीं आ सकता है। फिर इसके बाद हम लोग आपको डाउट सॉल्वर मित्रा के लिए बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में मेंटोर्स हैं आपके लिए, इनका क्या प्रोविजन होगा। देखो सबसे बड़ा डाउट कब आता है, जब क्लास जैसे ही छूटती है ना, तो उस टाइम पर आप लोग के पास खूब सारे डाउट्स बन जाते हैं, खूब सारे डाउट्स बनेंगे, तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल के लिए अलग मेंटोर बैठेगा जो आपके ऑनलाइन डाउट्स रिजॉल्व कर रहा होगा लाइव, और ऑफलाइन के लिए तो आपके पास मेंटोर क्लासरूम में मिलेंगे, आप वहां पर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, फैकल्टीज के साथ डिस्कस कर सकते हो, जो भी डाउट है सब क्लियर कर लो यार। बट मान के चलो कि अगर घर गए फिर याद आया कि अरे यार ये तो सही तरीके से उस टाइम पढ़ा या समझा नहीं था, अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये डाउट बन गया, आप क्या करें, टेंशन की बात नहीं है, ये जो डाउट सॉल्वर मित्रा है ना, ये आपको अगेन आपके नेक्स्ट सेशन में, मान लो मॉर्निंग में आते हो तो इवनिंग में, अगर इवनिंग बैच में है तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके पास 1-1.5 घंटे का वीडियो सेशन या लाइव वीडियो जूम कॉल या गूगल मीट के थ्रू अगेन प्रेजेंट मिलेंगे। आपको उस लिंक पे ऐसे क्लिक करना है और सामने जो भी मेंटर मिले उससे चुपचाप से ये क्वेश्चन पूछ लेना है। बट क्या हो कि ये चुपचाप से क्वेश्चन पूछने के लिए 10 लोग और भी सुन रहे हैं आपके क्वेश्चन, लेकिन आपको नहीं चाहिए ये, आपको चाहिए कि नहीं ये तो सर 1-on-1 चलना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, इसमें पर्सनल टाइप का कुछ क्वेश्चन है, कुछ मेरे अपने डाउट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, फिर क्या करें, फिर भी उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली गूगल फॉर्म के लिए लिंक दिया होगा, इसको फिल करना है, और जैसे ही फिल करके आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रीफ करके सबमिट करोगे, यहां से एक मेंटर की कॉल चली जाएगी आपके पास,
कॉल पे बात करो, वन ऑन वन डिस्कस करो और अपने डाउट्स रिजॉल्व करो। मल्टीपल लेवल्स पर ये डाउट्स चल रहे हैं और यहां पर भी ये एंड नहीं होगा। ये आपको वीकेंड्स में, सैटरडे मान लो, मोस्टली सैटरडेज में ना, नेक्स्ट वीक में एक्चुअल में करना क्या है उसके बारे में डिस्कशन होगा। अगला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या बुक सोर्स रिफर करना चाहिए, क्या अलग अलग पोर्शंस हैं इस टॉपिक के जो कि यूपीएससी ने हमेशा से पूछे और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें इसमें आपको कवर करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम यहां पर एक सेशन होगा आपका संडे का रिवायरिंग बूट कैंप के नाम से, जहां पर आपके पूरे वीक में जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ फन एक्टिविटीज भी होंगी और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो उनको भी रिजोल्व करेंगे। फन एक्टिविटीज, फन विथ लर्न, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं तो उनको बुला दिया गया कि आयुषी आप आ जाइए, आज के लिए आप ये टॉपिक को पढ़ाएंगी। तो स्टूडेंट टीचर स्वाइप का एक रिलेशन, फिर हमने डिबेट स्टार्ट कर दिया। हर संडे को हमने आपसे बोला कि नहीं, अभी आप और आप, ये दो ग्रुप में क्लास डिवाइड हो गया, आप इस मुद्दे पर बात करोगे, आप इसके अगेंस्ट बात करोगे, अभी फाइट करो, मतलब मार झगड़े वाली फाइट नहीं, लेकिन हाँ डिबेट करो आप प्रॉपर। कभी आपका यूं ही रैंडम यहां पर बुला के स्टेज पर आपके इंटरव्यू सेशंस ले लिया हमने, इंटरव्यू पूछने वाला भी आप ही लोग होगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर देने वाले भी आप लोग होगे। जहां पर क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है वहां पर भी टीचर इंटरप्ट करेगा, जो आंसर गलत बताया जा रहा है उस पर भी टीचर इंटरप्ट करेगा। व्हाट अबाउट दोज हाइब्रिड स्टूडेंट्स, उनके लिए भी टेंशन नहीं है, बोर्ड पर ही हम लाइव दे देंगे उनको। तो आप क्लिक करने के साथ, जिनको भी ऐसा कुछ बात करना है, स्टूडेंट टीचर स्वाइप है, तो उनकी वीडियो पूरे क्लासरूम में चलने लगेगी। हाइब्रिड क्लास का मॉडल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत अलग अलग मल्टीपल एंगल से ये पूरा क्लासरूम विजिबल होगा और स्टूडेंट्स भी दिखते रहेंगे। इसमें शायद आप फेस तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि ये छोटा सा एक साइड में बन के आ रहा होगा कि हाँ ये इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बट अगेन यू विल फील लाइक कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स कुछ तो एक्शन इधर उधर करते हुए दिख रहे हैं, तो मैं भी उस क्लास का पार्ट हूँ। तो इस तरीके से हमने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग क्लास का पार्ट बन सको भले ही आप लोग दूर बैठे हो। इसके बाद जो डेली टेस्ट चल रहा है ना, वो तो टेस्ट सीरीज है ही है, लेकिन जब ये आपका सिलेबस वाइंड अप होता है, मान लो अगले 10 महीने, 10.5 महीने में, उसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 1.5 महीने, 2 महीने बाद, तो उस केस में प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, उसमें सीसैट का भी पोर्शन होना चाहिए। इस पूरे सेशन में सीसैट भी इंक्लूडेड है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग, है ना, सीसैट का पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। और सिमिलरली आपके प्रीलिम्स टेस्ट के बाद आपका जब मेंस एग्जाम हो रहा होगा, उससे पहले आपके मेंस का भी खूब सारे टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल वाइज जीएस पेपर के कुछ टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आपको हर एक चीज मिल रही होगी, हर एक चीज का ट्रैक रखा जाएगा और आपसे बातचीत भी की जाएगी कि यहाँ पर कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या रीजन, क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। इसके बाद हमने क्वेश्चंस के लेवल देख लिए थे, ये सारे क्वेश्चंस के लेवल थे। नाउ कमिंग विथ वीकली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, ये एक्चुअल में आपके मोटिवेशन फैक्टर के लिए कि जो भी पूरे वीक में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वैसे टॉप 3% को हम लोग रिवॉर्ड देंगे। अब रिवॉर्ड के नाम पे ऐसा नहीं है कि जमीन लिख देंगे उसके नाम पे, बस इतना हो कि आपका मोटिवेशन बना रहे, है ना। तो कभी आपको कुछ अच्छी किताबें दे दी हमने पढ़ने के लिए एज ए गिफ्ट, हमने आपको कुछ एक, नॉर्मली कुछ नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट क्लास के सामने आपका एक बिग क्लैप हो गया ना, तो भी आप मोटिवेटेड फील करोगे कि आई हैव डन समथिंग वेल और आगे भी ऐसा ही करते रहना है। वो कॉम्पिटिशन का फीलिंग, वो मोटिवेशन का फीलिंग आपको इस पूरे जर्नी में बहुत अच्छा ड्राइव करेगा, दैट इज वाई वी हैव केप्ट दिस थिंग। अब इसके बाद आपके पास बहुत सारे एसेंशियल एक्सप्रास मिलेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पर कभी आपका ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरेक्शन होगा, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। पीयर लर्निंग सेशन संडे को हमने बात कर ही लिया है, मेंटोर असिस्टेंस पर भी बात कर लिया है। ये कुछ जीएस के बुक्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, संपूर्ण के नाम से ये टोटल 18 जीएस के बुक्स हैं। ऊपर ही आपके जीएस पेपर 1 है, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री पोर्शन टिल हियर इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 के पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस आईआर, और आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी, और फाइनली जीएस पेपर 4 के लिए आपके पास एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सारे जो मटेरियल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाए गए, इसलिए कुछ ऐसा मल्टीपल सोर्सेस कवर करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन बुक्स पर 100% रिलाई कर सकते हो। इसके बाद एक्स्ट्रा पैक ऑफ टेस्ट सीरीज, वो भी हमने बात कर लिया कि वो प्रीलिम्स और मेंस वाली टेस्ट सीरीज होगी, और सीसेट का पूरा मॉड्यूल ही इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये भी बात कर लिया। तो ओवरऑल आपकी यूपीएससी जर्नी में जिन जिन चीजों की बात होगी
वो एसे राइटिंग की बात हो, आंसर राइटिंग की बात हो, सीसैट की बात हो, जीएस पेपर्स की बात हो, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज की बात हो, डेली प्रैक्टिस की बात हो, रिवीजन की बात हो, बुक्स हार्ड कॉपी मिलने की बात हो और हर एक टेस्ट को इवैल्यूएशन की बात हो, सब कुछ इस फाउंडेशन कोर्स में है। तो कोशिश करो कि ऐसे ही कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपने लिए आप लोग अडॉप्ट करो जिससे कि आप लोग इसको ज्वाइन कर सको या फिर आप अपने सेल्फ स्टडी में भी इसको इंप्लीमेंट कर सको। तो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस पर। देखो, हमने मार्केट के प्राइसेस को बहुत बार कंपेयर किया, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा और ऑफलाइन क्लासरूम्स के लिए हमने मिनिमल लेवल पर ये अपने कंटेंट में बहुत जेन्युइन केस के साथ हम इस तरीके से इतने सारे फीचर्स के साथ इस मार्केट में आ रहे हैं जिससे कि एटलीस्ट आप लोग का सिलेक्शन इंश्योर हो सके। और उस चीज के लिए जब हम लोग फाइनल प्राइस देखते हैं तो ये कुछ ऐसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह 1.5 लाख 2 लाख ऐसी कोई फीस स्ट्रक्चर हमने नहीं रखी है। हमने पूरा प्लान किया और इस डिजिट पर हम पहुंचे थे, बट फाइनली अभी के लिए फिलहाल हमने अर्ली बर्ड ऑफर लिया हुआ था और इसमें अभी आपकी इफेक्टिव फीस 90,000 है ऑफलाइन का, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। आपके एसेंशियल वेलकम किट में भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है और ये फीस ना आपको, सबसे अच्छी बात ये है कि ईएमआई ऑप्शन में भी अवेलेबल है और इवन ये जो ईएमआई ऑप्शन है इसके लिए इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये जो फाइनल प्राइस है ना ये इतना ही रहेगा। सिमिलरली आप जब हाइब्रिड मॉडल में आते हो डायरेक्टली फ्रॉम ऑफलाइन तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर आ जाती है। इस फीस स्ट्रक्चर में भी आप वो सारी चीजें घर बैठे हुए अचीव कर रहे होगे या फिर प्रैक्टिस कर रहे होगे जो कि ऑफलाइन के स्टूडेंट्स यहां पर करते हैं। तो इवन अगर आप कोई फार फ्लंग एरियाज में हैं तो वो भी इस पूरे कोर्स का बेनिफिट ले सकता है। चूंकि ये लिमिटेड सीट्स का है कुछ अर्ली बर्ड ऑफर, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये कुछ अपनी सीट बुक करने के लिए आप ये अमाउंट दे के भी आप सीट बुक कर सकते हो अगर इंस्टेंटली आप इतने अमाउंट को गैदर नहीं कर पा रहे हो। ये आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है, ये एक्चुअल में ये इसी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ये अमाउंट पे कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ पे करना है, यहां पर भी रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ पे करना होगा। और अलॉन्ग विथ यूपीएससी 2024 हमने 25 के लिए भी कोर्सेज इसी के साथ अवेलेबल करा दिए हैं। तो आप लोग के पास एक वाइड रेंज है जहां पर आप ये सभी चीजों को अवेल कर सकते हो इस प्राइस रेंज में और विथ अनलिमिटेड सीट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 5,000 में आप एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू कर ही सकते हो। और ये जो हम अर्ली बर्ड ऑफर की बात कर रहे थे ना, ये शायद 15 अप्रैल तक का ही लास्ट डेट है। आप लोग इसको अगर लेना चाहते हो तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप लोग सीट्स तो अपनी बुक कर ही सकते हैं, फिर आगे जो भी फीस स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस होंगे, आपको कब कैसे पे करना है, वो सारी चीजें हम एक बार फोन कॉल पर या फिर मेल के थ्रू भी हम इंटरेक्ट करके बात कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर हमें जरूर से कॉल करें 9920613613। और अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो info@pwonlys.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आपको सिंपली जाना है pwonlys.com पे, वहां पर वैसे तो फाउंडेशन कोर्स की फर्दर डिटेल्स आप लोग देख सकते हो, बट अगेन वहां पर लॉगिन का एक बटन है, उस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मल्टीपल बैचेस दिखेंगे वहां पर, आपको जो भी बैचेस का आगे कंटिन्यूएशन में उसको प्रोसीड करना है आप उसको प्रोसीड कर सकते हो और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा जिसमें आपके फर्दर फी ब्रेक्स की बात की जाएगी या फिर हमारे तरफ से आपको कॉल चली जाएगी। इसको अटेंड करने के साथ ही आपके पास कुछ बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स तुरंत ही मिल जाते हैं, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपके कुछ प्राइमरी सब्जेक्ट्स इकोनॉमी पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी, इनके कुछ बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स के भी लेक्चर्स हैं जो कि आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। हमें उतने दिन तक 23 अप्रैल तक वेट करने की जरूरत भी नहीं है। आपको एम्पावर करने के लिए, आपके इस यूपीएससी जर्नी को थोड़ा इजी बनाने के लिए और खूब सारा सपोर्ट देने के लिए, तो आज के डिस्कशन में आई थिंक बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर प्रेजेंस एंड बींग हियर। हैव ए नाइस डे।